विश्व पलटि गला दिल्ली वायु अणनिश्वासी लोके प्रदूषण मात्रा एत अधिक होणनिश्वासी हो उठी राजधानी दिल्लीवासी दिल्ली एवं यार आखपाख अंचलगुड़िकायु प्रदूषण अति सांघातिक स्तर को चली जा दिल्ली में वायुर मान वायुर गुणवत्ता मान 550 पार कर पड़ोसी राज्य में पोड़ा जाऊथबा नड़ार धूआ एवं जानवाहन प्रदूषण हेतु दिल्ली में वायुर गुणवत्ता मान अति खराब स्तर को चली जा वायुर मान जिते बड़े 401-500 मध्य रहे ताकु अति सांघातिक बोली धरा जाए हेले आज ताहा 550 अतिक्रम कर एक प्रकार विश्व बलय मध्य रहुछंती दिल्लीवासी विषाक्त वायु जोगु निश्वास नेबारे स्कूल पिलांक ठारु आरंभ करी वयस्कंकर समस्या देखा देउछि एवं रोगी मानकर कथा पचारे किए स्थिति को देखी आसंता काली ठारु दिल्ली रे समस्त सरकारी स्कूल बंद करिबाकु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा करिछंते। प्रथम अष्टम श्रेणीर पिलांकु ऑनलाइन ने पाठ पढ़ा जाउछि। दिल्ली रे वायुर मान अति सांघातिक श्रेणी को चली जाइथिबारु दिल्ली रे कमर्शियल डीजल ट्रक गुड़िक बंद रहिछि। विभिन्न प्रमुख प्रकल्पर निर्माण कार्य मध्य बंद रहिछि। ई भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की जरूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था देश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनके उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। पॉल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है, हवा और पानी के पॉल्यूशन के विषय में भी आज इस वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। मगर सबसे बड़ा पॉल्यूशन होता है नीयत का पॉल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, their intent and their integrity is polluted. उनकी जो नीयत है उसमें pollution है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। दिल्ली का पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है दिन ब दिन। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी से सर्दियां इतनी शुरू भी नहीं हुई और फॉग शुरू हो गया, तो ये पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों को ब्रीथिंग करने में, देखने में विजुअलिटी काफी कम आ रही है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हमें। दिन पे दिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ओल्ड एज में सांस की दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों को भी पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उनकी लाइफ पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे वो लोग, फ्यूचर में उनका क्या होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पे दिन गिरता जा रहा है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तकलीफ तो शायद में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना इस पोल्यूशन का। तो अभी शॉर्ट टर्म के बाद अभी एक दो दिन की बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी लॉन्ग टर्म में तो फर्क पड़ेगा पोल्यूशन का। बढ़ रहा है, जुकाम हो रहा है, मेरे एलर्जी हो रही है, इनको खांसी हो रही है। बच्चे जाते हैं क्योंकि स्कूल से प्रेशर होता है, जैसे गायों और भैंसों को हाँकते हैं वैसे ही तो दादागिरी मचाते हैं स्कूल वाले। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इस साल दिवाली में पटाखे भी नहीं फोड़े फिर भी इस साल पॉल्यूशन बढ़ गया है। अब हम देखिए स्कूल साइकिल से जाते हैं, सुबह सुबह इतना पोल्यूशन होता है कुछ दिखता ही नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, इस वजह से कैंसर होता है। केजरीवाल सरकार ने इस साल पोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्शन का सारा काम रोक दिया फिर भी इतना पोल्यूशन है।